अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल शिबा व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब, मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ लेके आई हूँ, जो कि मैं बात कर रही हूँ यम्मी यम्मी सी मसाला मैगी की, जो कि ज़्यादातर तो वैसे हर किसी को पसंद है, लेकिन फास्ट फूड होने के कारण हम इसे ज़्यादा यानी कि रोज़ाना नहीं खा सकते, कभी कभी ये चलती है। तो देखिए मेरी वीडियो को, मैं किस तरह से इसे मैगी को आज बना के आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरी फैमिली के हिसाब से मैंने यहाँ पे मैगी के पैकेट ले लिए है। तो मसाला नूडल मैंने यहाँ पे लिए है, जिसके 6 पैकेट मैंने यहाँ पे ले लिए है। हिना मटर लिए मैंने, जिसके 10 पैकेट मैंने यहाँ पे हिना मटर के भी ले लिए है। और मैंने यहाँ पे हिना मटर को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो 6 से 7 मैंने बारीक चॉप में यहाँ पे मिर्ची को कर लिया है, और एक टमाटर मीडियम साइज का मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो आप कोई सी भी कंपनी की मैगी नूडल इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो तब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है, तब तक हम यहाँ पे मैगी नूडल अंदर पैकेट में से निकाल लेते हैं। और मसाले के पैकेट अलग कर देते हैं, सिर्फ नूडल नूडल ही हमें एक बर्तन में रखने हैं, और मसाले के पैकेट एक बर्तन में यानी कि नीचे ही रख देने हैं। बाद में हम मसाला भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। वैसे तो मैगी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं आज बहुत सारी मैगी बना रही हूँ, यानी पूरी फैमिली के लिए ही मैं मैगी बना रही हूँ, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मसाले के पैकेट अलग कर दिए हैं। तो चलिए हम बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 टेबल स्पून बड़ा वाला जो कि ऑयल डाल लिया है। ऑयल ज़्यादा हमें नहीं डालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर को कुक करने के लिए ही यानी कि फ्राई करने के लिए ही इसमें ऑयल डाला है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, और ऑयल के गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले हरी मिर्च को डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा तीखापन कम हो जाए। चाहो तो आप टमाटर की जगह टमाटर सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन टमाटर सॉस से ज़्यादा टमाटर ही अच्छा लगता है वैसे तो ज़्यादातर मैगी में, लेकिन अपनी अपनी पसंद। तो मैं यहाँ पे टमाटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, टमाटर सॉस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लिया है, और हल्दी पाउडर को मैं यहाँ पे पकने दूंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची का इसमें नमक ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैगी मसाले में नमक ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होता है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल लेना है, और टमाटर को भी 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि सॉफ्ट हमारे टमाटर हो जाए। चाहो तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हो टमाटर और हरी मिर्ची को। तब तक हमारे टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से कुक होती है, तब तक मैं इसमें मसाले को एक बर्तन में निकाल रही हूँ, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं पहले से ही बीच बीच में निकालने का काम भी कर रही हूँ टमाटर के मसाले को। तो सारे मैगी मसाले को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। टमाटर हरी मिर्च हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, तो मैं इसके बाद डायरेक्ट मैगी डाल रही हूँ। चाहो तो आप मैगी को तोड़ के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे साबुत मैगी ही इसमें डाल रही हूँ।
अब मैं इसमें मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने ये कप लिया है जो कि चाय का कप है, उससे हमें 6 कप के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। एक मैगी के पैकेट का सिर्फ एक कप ही पानी लेना है, यानी कि 6 मैगी के पैकेट मैंने लिए थे यानी 6 कप, लेकिन मैं 1 कप पानी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी सॉफ्ट और सॉस वाली मैगी बनाने वाली हूँ, यानी कि मसाला मैगी, तो इसलिए मैं 1 कप पानी ज़्यादा ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हिना मटर लिए थे उसके मटर भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि मटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें डायरेक्ट मसाला डाल लेना है, जो कि मैगी का मसाला हमने पहले से ही बर्तन में निकाल लिया था, और इन्हें मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हमें इस तरह से करना है कि मैगी हमारी टूटे ना। जैसा कि देख सकते हो आप, मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैगी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसे हम और पकने देंगे जब तक कि इसका पानी कम ना हो जाए, तब तक हमें मैगी को पका लेना है। तो पानी थोड़ा कम हो चुका है हमारी मैगी का। इस स्टेप पे भी आप मैगी को खा सकते हो, क्योंकि ये वाली सॉस वाली मैगी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार सी टेस्टी सी लगती है। और देखिए कितनी कलरफुल हमारी मैगी यहाँ पे बनने लग रही है। तो मैं थोड़ा सा पानी और इसका सुखाऊंगी, यानी कि थोड़ी सी मैगी को और पका लेना है, उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला था इसमें, क्योंकि मैं सॉस वाली मैगी आज बनाने वाली हूँ। ज़्यादा सॉस वाली भी नहीं बनाने वाली हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो को। तो मैगी का पानी हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, और इस तरह की हमें मैगी बनानी थी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट गैस को ऑफ कर रही हूँ। और मैगी हमारी बन के तैयार है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ, एक प्लेट में, प्लेटिंग के लिए। तो मैंने सारी मैगी को एक प्लेट में निकाल ली है, और ऊपर से मैंने हिना मटर भी इसमें थोड़े से डाल लिए हैं, और उसके बाद मैं अब धनिया पत्ती इसमें डाल रही हूँ। तो शानदार सी स्पाइसी हमारी यहाँ पे मसाला मैगी बन के तैयार हो चुकी है, यम्मी यम्मी सी। तो किस किस को पसंद है मैगी मसाला या फिर मैगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मैगी किसको पसंद है और किसको नहीं है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना मुझे आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बराबर पर बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, और नई नई वीडियो जो मैं रोज़ लाती हूँ वो भी आपको देखने को मिले। तो मैं फिर मिलूँगी नए नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।